देखना भाई ऐसा खेले खेलना बच जाए निकी। जोरा नु कह रही कोको को तू ग्रिप लगाने में बिजी रह, यस का दूध पीने लगी। जिसमें तो मुंह उतार लो ओए और रोकू ओ भाई साहब। और गाइस अपने को आज काफी दिनों के बाद रेडी हुई घूमने जाने को, सीधे चिंटू के पीछे भाग गई। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस आज हमारी जोरा को देखो केज के अंदर जाकर बैठ गई। और गाइस मैं गेट खोल रहा बाहर भी नहीं आ रही, अपने आप ही बैठी अंदर। जोरा बेचारी बीमार हो रही ना कुछ भाई, रात सर्दी भी ज्यादा थी। रोक क्या हो गया, जोरा को बाहर निकाल दो। रोक भी नू कह रहा मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही जोरा, वरना भाई पहले तो सारे दिन रोक को परेशान करे जावे थी। और गाइस सामने से हमेशा की तरह कोको वाले पप्पी चिल्लाने लग रहे, मुझे देख ज्यादा चिल्लावे, वैसे तो चिल्लाते नहीं। सभी को एक एक करके बाहर ही निकाल दिया। कुछ भाई बाहर आकर सारे के सारे कोको के नीचे लग जावे, फिर इन्हें कोको धमकावे सभी को, नू कह रही मेरा दूध ना पियो। और गाइस आज रेड किंग वाले पप्पीज बुकिंग के लिए आ जाएंगे, रेड किंग को छोड़कर और ब्लैक किंग को छोड़कर, बाकी सारे के सारे पप्पीज बुकिंग के लिए आए। ब्लैक किंग को अभी सेल नहीं करने का, थोड़े टाइम बाद दूंगा। दो पप्पीज तो मैं आराम से रख सकूं, इन्हें सभी को रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही। दिक्कत ही नहीं वैसा रखने की नहीं है, बस थोड़ी सी फाइट वगैरह की है, सारे के सारे आपस में लड़न लगे। समझ रहे हो, देखना भाई सारे हाथ पैर कैसे जख्मी हो रहे, सारे में दांत ही दांत लग रहे। कुछ भाई पप्पीज है आपस में लड़ते भिड़ते रहे। रोक भी आ गया, रोको तू भी लगा ले ग्रिप, ग्रिप लगा ले तू भी, इनके साथ लगा ले पिल्लो की। लो भाई रोक ने भी लगा ली, कोको ने भी लगा ली, दोनों के दोनों पप्पीज के साथ लग गए। कुछ भाई ये ना देख देख का ज्यादा खुंखार बन रहे, कोको को देखो कैसे झटके मार रही। ओए रेड किंग हट जा, हटा नहीं तू, हटा नहीं। देखना भाई ऐसा खेल खेलना बच जाए इनकी। अब भाई फिर से इनका एग्रेशन हो गया था, मान जा मान जा मान जा मान जा। ब्लैक किंग के साथ खेल रहा है तेरी टक्कर का, उसे रेड क्वीन को छेड़ जावे बार बार। देखना भाई फिर से भाग गया उसके पीछे। नहीं 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 भागी वो तो यार 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 अबे साले। तो गाइस अभी एक एक करके सभी को दोबारा से केज के अंदर बंद कर दिया। बाहर तो ज्यादा फाइट वगैरह कर रहे थे, बस बस शांत हो जा शांत हो जा, बिल्कुल चुप। और गाइस अब आकर तो एकदम से सारे पप्पीज ने पूरा परेशान कर दिया, सारे दिन लड़े भिड़े जावे, पता नहीं क्या हो रहा है इनका। तो गाइस अभी नीचे आता कैनल में, कोको तो आती यहाँ पे बैठ गई। और गाइस अपनी जोरा ये बैठी, जोरा के बेचारी का जुकाम भी हो गया, अब तक तो उसका खांसी हो रही थी, अब आकर जुकाम भी हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गाइस रोक बार बार जंप लगा रहा, ऊपर बॉल रखी ना, बॉल को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा, बट भाई अब जंप लगाने में दिक्कत नहीं है, सारे मौक कच्चा हो गया। अगर पक्का होता पैर वैर में चोट लगने की दिक्कत थी। थोड़ा सा गेट इस साइड को करता हूँ, क्या पता गेट में पैर लग जा। चल भाई रोको, उतार नहीं आ, चल चल चल, बहुत अच्छे। कोको भी कोशिश कर रही, एक बार हाथ में आ जाए तो। तो गाइस अभी रोको थोड़ा पीछे से छोड़ता हूँ, भाई ने तो पहले ही पकड़ ली। छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी, आ गई आ गई, खुद ही आ गई, वरना भाई से पीछे से छोड़ता। बट भाई अभी तक भी नोना पकड़ी नहीं, बॉल को टांगता हूँ फिर भाई रोको पीछे से छोड़ दूंगा। रोको छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बस छोड़ दी। लो भाई यहाँ पे बॉल टांगी थी, इतने में रोकना पकड़ दी। रोको छोड़ तो एक बार नहीं। और गाइस कोको पूरी परेशान होगी, कोको का मुंह नहीं जा रहा यहाँ तक, थोड़ी छोटी होगी ना आइटम है। लो भाई अपनी जोरा रानी भी आ गई, जोरा ग्रिप लगाओगी तू भी, लगा ले तू भी लगा ले। जोरा इसके थनों में ग्रिप लगाना चाह रही कोको की। और गाइस रेड किंग वाले पप्पीज का कुछ ना कुछ ऐसा ही जुगाड़ बनाऊंगा, जैसे ग्रिप लगा रहे ना सारे के सारे एक साथ, बिल्कुल सेम टू सेम वे भी ऐसे लगा सके। सिम्बा मान जा, तू तो हट जा बीच में से। सिम्बा के पैर में चोट लग रही, सिम्बा को हटाता ही हूं, क्या पता और ज्यादा चोट मार दे। सिम्बा को बाहर भेज के यहाँ के गेट कर दिया बंद। और गाइस बस थोड़े दिनों की बात हो रहा है, फिर जोरा भी इनके साथ लगाया करेगी। अरे बेटे की जोरा नु कह रही कोको को तू ग्रिप लगाने में बिजी रहे, ये इसका दूध पीने लगी बैठ कर आराम से। जोरा को बीच बीच में इसकी माँ की याद आती होगी, इसीलिए कोको के थनों में लग जाया। बिल्कुल गर्दन पात रख रखा रोक के ग्रिप लगाते हुए, बट भाई है कि आपस में लड़ते भिड़ते नहीं, ग्रिप लगा के बहुत ही आराम से ग्रिप लगा, सारा का सारा फोकस बॉल के ऊपर ही है। और गाइस थोड़े बहुत दिन में कोको वाले पप्पी सारे के सारे कैनल के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, फिर उनका भी जुगाड़ बना दूंगा कुछ ना कुछ ग्रिप लगाने का। तो गाइस अभी फाइनली ग्रिप तो हटा दी, रोको हट जा। और गाइस रोकना दोबारा से पकड़ ली, इस बार में देने का कोई से को, वरना भाई ये छोड़ते नहीं। बस रोको बस मान जा जोरा का ना चोट मार दियो। रोक तो भाई फिर से चिपक गया। और गाइस बॉल को बिल्कुल बीच में रख दिया, यहाँ तक कोई सा नहीं पहुंच सकता, जिसमें दम उतार लो। ओए और रोकू ओ भाई साहब, रोक तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैंने बिल्कुल अभी अभी ये कहा था, जिसमें दम उतार लो, रोक भाई एकदम से ऊपर पेड़ के चढ़ा और उतार के लिया। काफी टाइम के बाद मैंने रोक को इस वाले रूप में देखा, पहले तो भाई वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करता, बट भाई बीच में इसका दिक्कत आ गई थी ना पैर में। A few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, और गाइस मेरे पीछे देखो तीनों के तीनों कैसे लोट लगा रहे, तीनों के तीनों कितना ज्यादा क्यूट लग रहे लेटे हुए। बस हमारे रोक की कमी रहेगी, रोक को जगह नहीं मिली होगी। और गाइस सारे के सारे डॉग्स की आपस में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल प्यार सर है, देखना कैसे लेट रहे। इसीलिए भाई ने रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, सारों को एक साथ जब भाई इनका आपस में पंगा रहे फिर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जा, किसी को पकड़ो किसी को बांधो, जैसे हमारे रेड किंग और रोक की दिक्कत थी। बट भाई आजकल लड़ाई भिड़ाई का काम तो रेड किंग वाले पप्पीज कर रहे, सारे के सारे आपस में लड़न लगे एक दूसरे के साथ। छोटे रेड किंग को रोक के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बनाऊंगा, जिससे कि जिन्हें रखने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ ब्लैक किंग बाहर निकाल दूं, ब्लैक किंग बेचारा चिल्लाए जा रहा, आ जाओ बाहर आ जाओ।
जैसा इसका फादर भागा करा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही भाग रहा, इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, उत्तरी पकड़ भी लिया। और गाइस सोच रहा रोक के साथ कोको को लेकर चलता हूँ, कोको आज काफी दिनों के बाद जाऊंगी, दिनों के बाद नहीं महीनों के बाद। कोको चलेगी घूमी करण, कोको तो जंप लगा लगी रोक देख के। मैंने कोको की पीतल की चैन निकाल दी थी, ज्यादा कमजोर होगी थी ना, बट भाई आज इसे दोबारा से पहनाता हूँ। और गाइस रोक का यहाँ पे पट्टा रखा ना, बार बार अपने पट्टे को उठा रहा, नु कह रहा घुमाना लेकर चल, रोकू पट्टा पहन रहा ला रुक जाना परम रहा नहीं जाता। रोक तो बिल्कुल रेडी हो गया पट्टा वट्टा पहन के, अब एक बार कोको को और पहना दू, रोकू दो मिनट रुक जा कोको को पहना दू। और गाइस अपने कोको आज काफी दिनों के बाद रेडी हुई घूमने जाने को, अब भाई ना सीधा खेत में लेके चलता हूँ। मेरे पीछे से देखो जूली के अंगारी चिंकी मिंकी, तुम भी चलोगे के खेत में? आज दो दो पेयर हो गए, एक तो रोक और कोको का, और गाइस पीछे चिंटू और जूली का, ये दोनों एक साथ हो गए। और गाइस अभी कोको को खुला नहीं छोड़ने का, ऐसा बांध के घुमाऊंगा, क्या पता पानी वानी के अंदर घुस जा, सीधी पानी के अंदर डुबकी लगाऊंगी। तो गाइस अभी थोड़ा सा खुला एरिया आ गया, यहाँ पर कहीं भी पानी वानी कुछ नहीं है, कोको को खुला छोड़ता हूँ, दूर से दूर तक कहीं भी पानी वानी कुछ नहीं है। भागी सीधी चिंटू के पीछे भागी, वो भागी चिंटू के पीछे। और गाइस सामने सनसेट हो रहा, देखना भाई क्या टॉप का नजारा है। अरे कोको तू कहाँ जाली? बाय बाय रोक, देखते हैं कहाँ जा रोक, सीधा जूली के पास जाऊंगा, कोको भी जाली, ये दोनों के दोनों इसके ऊपर अटैक ना करते, बट भाई जब तक हमारा चिंटू है जूली के ऊपर अटैक नहीं होने देने का, समझ रहे हो? कोको को पूरे ध्यान से देख रहा, नु कह रहा डोंट टच माई जूली। जूली बिल्कुल मासूम सी है, देखना भाई कितनी ज्यादा सीधी। और गाइस जब से इन दोनों की दोस्ती हुई तब से तो दोनों का पूरा मन लग रहा, चिंटू पहले पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता, पूरे गांव में घूमा था, बट भाई अब जूली के आने से कहीं नहीं जाता। देखना भाई तीनों के तीनों कैसे रनिंग लगा रहे, जूली तो भी खेल रहा है, जूली आराम से बैठी मेरे पास, जूली ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करती, जैसे वे तीनों के तीनों भागा दौड़ी कर रहे ना, जूली बिल्कुल आराम से बैठी रहे। कुछ भाई जूली की चिंटू के साथ ज्यादा पक्की दोस्ती है। और गाइस सारे के सारे मेरे पास आकर बैठ गए, कोको तो बिल्कुल ही गोद में चढ़ गई, रोक के बैठा और जूली वो बैठी, खेत में आकर सभी का पूरा जी लग जावे, सामने का व्यू देखो कितना टॉप का है। और गाइस अपने कोको को मैं पप्पीज की वजह से नहीं लड़ता, इसके पप्पीज थोड़े से छोटे थे ना, बट भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बड़े बड़े हो गए। तो गाइस अभी अपने कोको रानी होगी गायब, रोक तो ये घूम रहा, कोको क्या सारे के सारे गायब हो गए, पता नहीं कहाँ जा लिए। कोको जल्दी आ, वह घुसेरी झाड़ियों में, कोको की बच्चे झाड़ियों में ना जाया कर, साले का खोपड़ी तोड़। तो गाइस अभी अपने कोको में रेड किंग वाला सर आ गया, सामने जो लकड़ी है ना बार बार इसमें ग्रिप लगाने की कोशिश कर रही, रोकना जाकर डंडा ही नीचा कर दिया, ओ तेरी फाड़ी दिया, बीच में सो काट दिया, तीनों के तीनों लग गए। और गाइस रोक के अंदर पूरा दिमाग है, कोको तो आगे जोर लगा रही थी, रोक चुप कैसे गया, पीछे से जाकर डंडा ही उखाड़ दिया, डंडा नहीं आई मीन जुआर का फरडा, समझ रहे हो? बट भाई अपना मुंह छुलवा लेंगे इसमें, कोको छोड़ दे ओए छोड़ दो मान जाओ, तेरी टूट गया तो खत्म। अब भाई जब तक बिल्कुल खत्म नहीं होने का, ये छोड़ने के भी तो नहीं, अपने साथ साथ इन्होंने चिंटू को भी अपने जैसा बना दिया, चिंटू भी बिल्कुल पागल हो जा ग्रिप को लेकर, दोनों के दोनों पूरे फुर्तीले हैं, रोक भी चिंटू भी, आजा रोकू, रोक तो दूसरा फरडा ला रहा फाड़ गए, उत्तरी एक और लिया, रोक के बच्चे ओए कोको ने तो लगवा लिया अपने जीप पर फरडा, खून निकल रहा, मुझे पहले लग रहा था कहीं इसकी पत्ती इनकी जीप पीप पर ना लग जा। कोको बिल्कुल इसी के पास खड़ी जब से अपने फरडे के पास, इन्हें भाई घर पे लेके चलता हूँ, कोको को बांधता हूँ वरना दोबारा से ग्रिप लगा लगी, बस अपने कोको को बांधा और बाकी सारे के सारे बिल्कुल खुले हैं, कोको को भी इसलिए बांध लिया वरना इस पानी में लौट दे गया। तो गाइस अभी रोक को बांधा था बट भाई पता नहीं कैसी जिद कर रहा, आगे को आई नहीं रहा, रोकू क्या हो गया, बार बार पुलिस स्टॉप से लगा दे, चिंटू तो जा लिया अपनी जूली को लेकर, वो भाग गया गया। और गाइस रोक आज जैसा कर रहा, इसने पहले कभी ऐसा नहीं करा, बार बार पुलिस स्टॉप लगा ले, दूसरी बार पुलिस स्टॉप है इसके, अरे आ जा कू नहीं। और गाइस आज के व्लॉग के एंडिंग यहीं पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।